तो गाइस आज हम कर रहे हैं चेस्ट, बट जैसे जैसे दिन पास आते जा रहे हैं मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसा गुस्सा कि बस दिल करता है कि बस पकड़ कर किसी को, मे बी बिकॉज इस द डाइट। सुनूर भाई से पूछते हैं कि भाई क्या है। सुनूर भाई आप ही बताओ भाई, ये चक्कर क्या है यार, दिमाग घूम रहा है मेरा। देखो बात सारी ये है कि ये हर एक एथलीट की ज़िंदगी में ना, जब भी ये टाइम आता है, कितना एक्सपीरियंस हो, जैसे होता है ना मेच्योरिटी है, पेशेंस है, कितना भी कोई मेच्योर हो बट उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें होना लाजमी से, जाहिर सी बात है, कॉमन है भाई, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ईजिली, अपना ध्यान और उन सब चीज़ों को एक साइड से हटा के दूसरी साइड लगा के अपने काम में लगा के। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक चीज़ जब होती है, भाई ने मुझसे कहा था कि भाई मेरे को ना प्रोफेशनल एथलीट लाइफ जीनी है, मतलब कैसे होते हैं, मैं इतने इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, मेरे कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ। तो शुरुआत में हम कर रहे थे तो ये एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, ये एथलीट लाइफ नहीं होती है एक्चुअली में, अब जी रहे हैं एथलीट लाइफ। दिल करता भाई कि हाँ फोन कर दूँ किसी, हाँ गुस्से में। अभी अब मेरे से भी पूछते ना, अभी भाई रोजली हमसे पता है क्या सवाल हो रहा है भाई का, भाई कितनी कैटेगरी होती है, भाई कैसे होती है, अच्छा ये इसके बाद क्या होता है उसके बाद। तो ये रियलिटी में एथलीट का जो है, ये एथलीट जो है उसकी सोच यही होती है। मैं भी जब कंपटीशन खेलता हूँ तो बड़ा ध्यान के मैं कैटेगरी क्या होगी, मैं क्या करूँगा, ये प्लानिंग मतलब 24 घंटे यही, उसके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं चलता। एक्चुअल में एथलीट ये होता है, ये एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना नॉर्मल है। हाँ ये जो गुस्सा वाला है, गुस्सा है नॉर्मल है, बट आप पे सूट नहीं करता और इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि एक चैंपियन जो है ना वो अलग उसका लेवल होता है, एक कॉन्फिडेंस है उसका अलग होता है। ये बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी बात हो जाती है, आता सबको है, ये नहीं बोलूँगा आ क्यों रहा है तुम्हें, आता तो सबको है, बट इसको भी एक चैंपियन की तरह हैंडल करो और एक अलग व्यू दे दो इसको, बिल्कुल अलग, इससे बाहर निकल जाओ एकदम कूल रहा करो। मज़ेदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 7 6 5 4 3 2 1 ये परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बढ़िया, गुड, सीधे स्ट्रेट हम, हाँ ये परफेक्ट है, यस बढ़िया। 15 गुड, 10 मोर, गुड, 8 6 4 आ रहे ये वीडियो चल रहा है भाई, अरे उधर फोटो चल रहा है भाई, उधर देखो आप, अरे भाई ले लो ना, एक घंटे में फिल्म बन जाती है। गाइस आज का वर्कआउट होने वाला है कि कैस कर रहे हैं हम चेस्ट, नॉक्स प्रो आज 9 ब्लेंड है गाइस, देता है ज़बरदस्त पंप, और ऐसा पंप कि बस विल बी रैंकिंग मी। पाउडर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो भाई, बट दिस वन इज़ अमेजिंग, ट्राई करना आज 9 सिट्रुलिन सबका ब्लेंड है, मज़ा आ जाएगा वर्कआउट से पहले। लिंक डाल रहा हूँ, ट्राई करो। ऊपर लाके ढीला छोड़, हाँ ढीला सेट नहीं छोड़ना कोई, यस टाइट करो इसको, ऊपर लगे बहुत, इसको दबाव मिल, यस और यस 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 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 पूरा नीचे 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे टाइम पे हर आदमी, कोई भी एथलीट जो भी गेम खेल रहा होता है, पहले मैं भाई को बता दूं कि करना क्या है। भाई देखो इसके 8 रैप्स करने हैं, ठीक है, आराम स्लो स्लो, ठीक है। तो बात चल रही थी चिड़चिड़ेपन पे, बहुत एडिटेड हो जाता है इंसान, गुस्सा बहुत आता है, और ज़्यादातर किसी भी छोटी छोटी बात पर अगर उसको एक बात को दो बार भी बोला जाए तो वो
गुस्सा कर देता है, और उसकी बॉडी को लेके कुछ कर दो तो भाई अगर बॉडी बिल्डर है और एथलीट कोई भी कंप्लीट कर रहा है और लास्ट के पीस टाइम पे आप उसको बस उसको सिर्फ एक ही समय अच्छा लगता है वो होता है उसका जिम का टाइम, वो 2 घंटे उसके सबसे क्लासिक जाते हैं पूरे दिन के, सबसे बेस्ट टाइम होता है उसका वो, तो मतलब सब कुछ है वही जन्नत है उन दिनों में, ठीक है। बट अच्छा एथलीट वही है, मैं वही बता रहा हूँ जो अपनी तकलीफ़ों को दूसरों के सामने आने ही ना दे और अपने ऊपर कभी उन चीज़ों को हावी ना होने दे, वो बनता है बड़ा एथलीट। क्योंकि भैया तू जीतेगा, तू खेलेगा और तेरा नाम होगा, हर एक चीज़ तेरे को मिलनी है, मेहनत भी तेरी, और भाई गुस्सा वुस्सा सब, तो पब्लिक गुस्सा क्यों देखे भाई, इसके मज़ेदार भी आती है, अच्छाई के भी बुराई के भी जो भी है चूज़ भी तुमने किया है, तो अब गुस्सा दूसरों को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए सबके सामने हमेशा मैं तो यही टिप्स दूंगा भाई, किसी को पता भी ना चले तुम गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा रिएक्शन कभी होना ही नहीं चाहिए, मतलब सामने वाले को तो नहीं पता चलने और फैमिली के सामने तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे ना भाई इंसान ये भी भूल जाता है कि क्या क्या सपोर्टिंग मेरे साथ में रहा है क्या नहीं रहा, हर एक चीज़ हम लोग सभी, मैं भी एटलीस्ट जो तुम्हें खाना बना के दे रहा तुम्हें उससे भी नफरत होने लगती, उसकी बातें बुरी लगती है, उसको सुना देते हो और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इतना भी बोल देता है इंसान भूल चूक में कि बाद में पछताने के लिए भी माफ़ी के लिए भी वर्ड नहीं बचते। तो मैं इसलिए जो पहले ही कर रहे हो तो कभी हमेशा घर में खुशहाल रहो और तैयारी मगर दमदार करो। ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है और कंपटीशन खेलना, एथलीट बनना एक अलग चीज़ होती है, और फिर उसके बाद एक चैम्पियन बनना ये एक तीसरी बात आ जाती है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में आपका एथलीट बनना, और एथलीट बनने के बाद एक चैम्पियन की तैयारी करना कि मैं चैम्पियन बनना चाहता हूँ, मैं चैम्पियन हूँ। तो सबसे, और चैम्पियन बनने के लिए भी सबसे पहले आपको खुद को अपने आप से सी मिरर के सामने बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं चैम्पियन हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी बोलती है, देखते आप ऐसे हो तो ये चीज़ है। आप जो भाई मारोगे ना 8 रैप्स ही मारने सेम इसी वेट से, बट 5 रैप्स नेगेटिव जाएंगे। 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 यस 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 यस यस। नहीं नहीं नॉर्मल नहीं करने सारे रैप, यही होल्ड करो, मैक्सिमम होल्ड करो, मैक्सिमम उसको यस yes. 10 रैप करने पूरे, अभी 4 ही हुए यस yes. 5 परफेक्ट, वहीं पीछे तक लेके जाओ यस 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 गुड 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 गुड